अस्सलामुअलैकुम। आज मैं बना रही हूँ जी चिकन के पकौड़े। और यहाँ पर मैंने लिया है बेसन 3 to 4 टेबलस्पून, नमक लिया है हसबे जायका, लाल मिर्च लिए मैंने कुटी हुई 1 टेबलस्पून, सफ़ेद मिर्च लिए 1/2 टीस्पून, चिली सॉस, सोया सॉस, ये सब चीज़ें मैंने डाल के उसको मैरिनेट कर लिया था चिकन के पकौड़ों को। और यहाँ पे माशाल्लाह मैंने चिकन मटन का सालन बनाया और थोड़ा सा पास्ता बनाया, और जी ये चिकन का पुलाव भी मेरा बन रहा है साथ साथ में। देखा आप लोग को थोड़ी थोड़ी लुक दिखा दूँ। और मैंने बस चिकन के जो पकौड़े हैं उसके अंदर मैंने सोया सॉस चिली सॉस इसलिए डाला ताकि उससे जो कलर है थोड़ा रेड रेड सा आता है, उस पर पानी डालने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं पड़ी। जैसे मैंने बेसन डाला और चाट मसाला मैंने साथ डाला 1 टेबल स्पून, ये सब चीज़ें मैंने डाल के उसको मिक्स कर लिया हाथ से और बस पकौड़े बना लिए। उसको पहले थोड़ा सा पैन थोड़ा सा मैंने हीट अप कर लिया था, उसके बाद चूल्हा थोड़ा सा मैंने बंद कर दिया था, फिर स्लो फ्लेम पे मैंने इसको पकाया है क्योंकि चिकन अंदर तक ये अच्छा सा जूसी और गला हुआ बनाए। माशाल्लाह से यहाँ पे मेरे चिकन पकौड़े भी बहुत अच्छे और क्रिस्पी तैयार हो गए। आई होप आप लोग को मेरी वीडियो छोटी सी अच्छी लगी होगी। डू लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल और शेयर कीजिए मेरी वीडियो को, अपनी दुआओं में याद रखिए और अच्छा अच्छा बनाइए, अच्छा अच्छा खाइए और अच्छे अच्छे कमेंट्स करिए। मुझे आप लोग के कमेंट्स का बहुत इंतज़ार होता है। और मेरी जो लवली फ्रेंड्स हैं, थैंक यू, आप लोग मेरे लिए इतनी अच्छी बातें करते हो और मज़ा आता है मेरी शहजादियों जब आप लोग मुझे बहुत अच्छे कमेंट्स देते हो। सीरियसली, आई लव यू। ओके जी, टिल देन आई लव यू, वेरी टू ईट।